चलिए तो सिवान के ये क्रिश है और सिवान के क्रिश फिर दोबारा जा सकते हैं जेल। ये वही क्रिश है जो कहीं ना कहीं सिवान जंक्शन पे एक स्टैंड करना पड़ गया था भारी महंगा, जिसकी वजह से ये जेल में गए थे, गिरफ्तारी हुआ था, लेकिन फिर से गिरफ्तारी इनकी कभी भी हो सकती है। उससे पहले हम बताएंगे कहीं ना कहीं आजकल युवा उसी स्टेशन पे हुए, उसी जंक्शन पे रील्स बनाकर आजकल वायरल हो रहा है। वही क्रिश आज थका हुआ है, आज हारा हुआ है, आज अपने आप से टूट गया है। कहीं ना कहीं जानते हैं सरकार कहीं ना कहीं पड़ताली जो हुए अपने ही घर से लेकर हुए, अपने ही फैमिली से लेकर हुए, आज वीडियो बनाना तक छोड़ दिया इन्होंने। मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए सिवान रेलवे स्टेशन से जब से गिरफ्तार हुए थे तो मेरा हौसला बढ़ गया था और हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके होते। लेकिन होता है ना कि अगर फैमिली साथ ना दे तो इंसान अच्छा मुकाम भी खो देता है। अभी डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है, कभी भी एफआईआर दर्ज हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं जी, ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मेरी जो बीवी है और उसकी माँ जो है वो बोल रही है कि हम केस करेंगे, अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे, जोर जबरदस्ती से लेकर चली जा रही है, जबकि हम कोई तकलीफ उसको नहीं देते हैं, दवा बीरो उसका 6 महीने का भी डिलीवरी है। वो क्रिश जो दूसरे का सपोर्ट करता है, दूसरे का हेल्प करता है, दूसरे का मदद करता है, वो क्रिश कहीं ना कहीं अपने ही पत्नी से प्रताड़ित होकर थक गया, टूट गया, कैसे भाई ये कैसे हो गया? हमको लगता है कि मेरी पत्नी को शायद पैसे की जरूरत है, पैसे से मतलब रहने, पैसे लगाओ ज्यादा पैसे से है। हाँ, ऐसा पैसे कहीं ना कहीं इससे पहले आपने वीडियो में बताया भी था, दर्शाया भी था, लेकिन थोड़ा कम किया था। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन आप कमाना क्यों नहीं चाहते? उनका कहना गलत का है, आप काम कीजिए जी। हम काम भी करते हैं, पेंडिंग का काम भी करते थे, उसी काम के चक्कर में हम वीडियो भी नहीं बना पाते थे, अपना सोशल मीडिया पे टाइम नहीं दे पाते थे। मैं जितना मजदूरी करते हैं उससे कई ज्यादा हम पैसा कमा लेते हैं सोशल मीडिया से, लेकिन वो हमको समझ नहीं पाई, बोली कि तुम काम करो, ये सब छोड़ दो, तुम काम पे ध्यान दो, काम करो। तो हम पेंडिंग का काम करते थे, अपना दवा भी इलाज करवाते थे, इसी में हम बिजी थे और सोशल मीडिया से दूर थे। कितना रुपया मिलता था आपको? 500 रुपया। 500 रुपया एक दिन का मिलता है, कमा के ले मैं उसी दिन आज जलेगा जी, नहीं लेकर आएंगे तो नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। कहीं ना कहीं वीडियो जो जो दर्शक जो लोग आपको सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं लेकिन वो बंद कर दिए कि मेरा पत्नी खुश रहे, इसी को वजह से बंद कर दिए जी। बोल रहे थे कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम विदेश चले जाओ, यहाँ पे रहो ही मत। विदेश में कहा है भाई, वहाँ पे सोना का पेड़ है, ऐसा पेड़ है कि धाने पर गिर जाएगा पैसा, कि मेहनत वहाँ कीजिए या यहाँ कीजिए, मेहनत करना ही सबसे बड़ा कर्म है पहले जी। हम भी चाहते हैं कि जब हम इतना मेहनत करके यहाँ तक आ गए हैं तो हम सोशल मीडिया से ही कमाया, सोशल मीडिया पे अपना नाम कमाया, कुछ बन के दिखाए। जो बोलती है मेरी पत्नी वो कभी ऐसा मौका ना है कि हाँ ये निकम्मा है, ना कमा नहीं कमा सकता, इसके पास पैसे ना हो। आखिर हम उसी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने औलाद के लिए ही कर रहे हैं ना ये सब। जो मेरा नन्हा सा बच्चा रहा 6 महीने का है, उसका जन्म होने वाला है 12 मई को, 12 मई का डिलीवरी होगा 24 में ही, ठीक है। तो हम उसी के लिए कमाते थे, अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती आकर लेकर चली जाती है, सिखाती पढ़ाती है और बोलती है ऐसा ऐसा करो, झगड़ा लफड़ा करो, हर एक बात का खोजी करो, इसको झूठा इल्जाम में, हमको झूठा इल्जाम में फंसवा रही है, ठीक है। बोल रही है कि तुम दान दहेज मांगते हो, 1 लाख रुपया मांगते हो, अब कैसा दान दहेज हम मांगेंगे भाई, हमको लालच किसी भी। एक साल से ऊपर हो गया आपका? हाँ, मई में 2023 में मई में हुआ था शादी। मई आएगा तो साल यानी 8-9-10 महीना हो गया जी जी जी। कहीं ना कहीं गरीबी सबसे बड़ा पेय है हमको, आप गरीब आदमी है, गरीब घर से है, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, आपके पास इनकम का स्रोत कहीं ना कहीं ना के बराबर है जी। इसके वजह से आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई? चली गई है, छोड़ कर नहीं गई है, वो मतलब छोड़ कर बोल रहे थे कि हम इन पे नहीं रहूंगी, इनसे नहीं रहना है। लेकिन फिर बाद में हुआ कि मतलब उनसे साफ सुथरा पूछा गया दरवाजे पे कि रहना चाहती हो कि नहीं, ठीक है। हम उसको नहीं जाने देते हैं, नहीं जाने दे रहे थे और नहीं भी जाने देंगे, हम बहुत प्यार करते हैं उसे, लेकिन जबरदस्ती वो लोग आ रहा था, लोग खींच के लेकर जा रहा था लोग। हम काम पे रहते थे, दोपहर में आते थे खाना खाने तो पता चला कि मेहरारू को लेकर चला गया है, लो नहीं है माइक। आप काम पे थे, वो लोग लेकर चला जाता था। ऐसा एक बार हम आपसे बता दे, इनका एक कहानी हम आपको बता दे, ये क्रिश जो कहीं ना कहीं लोग देखना चाहता है, आज भी इस समय भी इनका पुराना वीडियो 8 हजार से ऊपर लोग अभी लाइव देख रहे हैं, लेकिन वो क्रिश अपने पत्नी के लिए वीडियो बनाना छोड़ दिया क्योंकि पैसा चाहिए था और पैसा इसमें कम था, यही था ना। अभी मोनिटाइज भी नहीं हुआ था मेरा, मोनिटाइज जो था इतना गरीबी इतना बड़ा पैबा। हाँ, वीडियो बनाओ छोड़ कर के मेहरारू हमारा खुश रहे। हाँ, खुश रहे मतलब वो जैसा चाहते थे कि हम रहे उसी हिसाब से। अब वो बोलती थी कि नहीं तुम विदेश से चले जाओ, यहाँ मत रहो। कहा विदेश में लोग, कहा उनका घर है क्यों विदेश में पका? अब वो तो हम नहीं जानते हैं, शायद वो लोग बड़े बड़े मतलब बड़े लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो विदेश में जाकर रहते हैं और हमने देखा है, हमने सुना है
कि विदेश की ऐसी कमाई है कि यहाँ तक एक एक पल में यहाँ क्या होता है, किस कब किस घटना में गुजर जाए, लेकिन आने की संभावना नहीं होती है। और पैसा जो आता है वो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत पर बहुत पसीने के बाद से एक रुपया पॉकेट में आता है, वो एक रुपया अपने पॉकेट में नहीं रखते हैं, अपने उस परिवार को भेज देते हैं कि जो परिवार खाएगा सुकून से रहेगा और उनके सुकून के लिए अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। यही कहूंगा कि मेरी पत्नी माइके है, ठीक है, हमसे दूर है, हमसे अभी नाराज है, कल ही गई है, ठीक है, 1/2/2024 को ही गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राजा मंदिर से गई है, पंच के राजा मंदिर से ही गई है, ठीक है, लेकिन जहां भी रहे सही से रहे, खुश रहे, अगर हमसे दूर रह के खुश है तो वहीं पे खुश रहे, लेकिन नाराज हमसे मत हो क्योंकि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं, उसके बिना हम नहीं जी सकते, नहीं उसके बिना हम क्या बताएं, हम अधूरा है, हम बिल्कुल अधूरा है, हाँ, मतलब हमको एक साथ एक सहारा का जरूरत, हम उसको अपना सहारा लाठी समझ रहे थे। देखिए ये क्रिस का एक और कहानी हम आपको बताएंगे। ये क्रिस कहीं ना कहीं काम करने सिवान के ठंडी के दिन में जाता है, जब शाम को आता है तो अपने घर में अपने फैमिली को अपने पत्नी को नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से टूट बिखर जाता है, चिल्लाने लगता है, और उस रात को साहब हम आपसे क्या बताए, उस रात को अपने आप को फांसी पर लटक गए थे, जिसके बाद से 2-3 घंटे के बाद से ये शायद 2 दिन तक बड़हरिया अस्पताल में रहे, जिसके बाद से ये आए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था उस समय आपको? जी सर ऐसा ही हुआ था, हम गए थे काम करने के लिए सिवान, बहुत ठंडी था, ठीक है, हम घर पे आए काम करके, जिसके लिए हम इतना ठंडी में कमाने जा रहे थे, इतना दूर दूर से कहाँ कहाँ से दर भटक के कमा के लाते थे कि चलो मेरा परिवार खुश रहेगा, मेरा जो नन्ना सा बच्चा है वो आने वाला है, नया दुनिया में देखने वाला है दुनिया, उसको अच्छे से आगे करेंगे, हम कुछ भी मतलब हम बर्बाद हो जाए लेकिन अपने बच्चे को बर्बादी के रास्ते पे ना ले जाए, इसीलिए हम मेहनत करते थे, कमाते थे, छोड़ दिए थे वीडियो बनाना, जब उसका मर्जी था कि वीडियो मत बनाओ, जाओ कमाओ, तो हम वही कर रहे थे, फिर भी वो बोल रही है, कभी बोल रही है कि अपने माँ को छोड़ दो तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे रहेंगे, कभी बोल रही थी मायके जाने के बाद बोलती थी ऐसा ऐसा, तो उसकी माँ बोलती थी कि नहीं जाएगी, तुम जाओ यहाँ से, छोड़ दो, भागो, मेरी बेटी को रखना है तो फ्लैट में ले जाके सिवान में रखो, चाहे जहाँ भी रखना है फ्लैट में लेके रखो। हम बोले कि हमारे पास, हम मजदूर आदमी, हम कहाँ से उतना बड़ा फ्लैट रखेंगे, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उतना ही में हम हैरान रहते हैं, गरीब आदमी है, खाने पीने का ठीक से नहीं है, अगर कमाएंगे तो खाएंगे, लेकिन क्या जो शादी होता है उनके घर वाले इनको इतना प्रताड़ित करते हैं कि भाई वो तो इनके सास आई तो आई क्या है, अपने 2-3 बेटी के साथ में भी आकर घर पे कहीं ना कहीं लफड़ा कर लेती है, फिर भी ये उन लोगों से ये नाराज नहीं है, बस इनका कहना यह कि मेरी पत्नी मेरा जिंदगी है, अगर वो नहीं तो मैं टूट कर बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, मेरे जीने का सहारा आप लोग हमसे नहीं छीनिए, ये उन लोगों को भी बताया, जबकि 112 पर फोन करके पुलिस भी आ गई थी आपके घर पे। हाँ वो एक्चुअली इसलिए आए थे ना क्योंकि हम काम पे जाते थे, ठीक है, छोटा छोटा बात के जैसे हम उसका सामान यूज नहीं कर सकते हैं, जो सामान लेकर आए है यूज नहीं कर सकते, उनका सामान आपका सामान एक ही सामान है, हाँ एक ही सामान है, लेकिन उसके सामान को हम हाथ लगा दिए थे, मेरा सामान छूने वाला तुम कौन होते हो, कौन बोलती है ये, मेरी पत्नी बोलती है तुम कौन होते हो, मैं बोला कि ठीक है जाने दीजिए, मेरी माँ को गाली गलौज दे दी थी, उसी के लिए हम थोड़ा शीशा मिरर वगैरह क्रैक कर दिए थे, तोड़ दिए थे, खीस में नहीं तोड़े थे, जैसे मेरी माँ को उल्टा पुल्टा बोल दी थी, थोड़ा सा भी कदर रिस्पेक्ट का बात नहीं समझती थी, हमको दाँते भी काट ली थी जाने के दिन। माँ उनका भी है और माँ इनका भी है, कहीं ना कहीं इनका माँ थोड़ा सा दिव्यांग है, इसको लेकर ताना मारा जाता है। एक और माँ बात आपसे बता दे, उनकी माँ उनके लिए प्यारी है तो क्या इनकी माँ इनके लिए प्यारी नहीं है? हाँ सब जो वो अपने माँ से प्यार करती है तो हम भी, हमारे पास भी तो माँ है, हम अपने माँ से प्यार करते हैं, अगर तुम हमसे प्यार से बात करोगे, वो भी हमारे माँ बराबर है, वो भी हमारी माँ है, हम भी कदर करते हैं, वो भी हमारी माँ है, ये भी हमारी माँ है, लेकिन इसको अच्छे से लेकर चला जाएगा, वो आती है जबरदस्ती, कोई तरीका अपनाती नहीं है, पारिवारिक मामला, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, पता नहीं केस होगा कि नहीं होगा, FIR दर्ज होगा कि नहीं होगा, अगर होता भी है तो इसको जांच होगा, उस जांच में आप साथ दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए हम इस बात पे आएंगे, आज के समय में उसी रेलवे स्टेशन पे रील बना के बहुत ऐसे लोग स्टार बन गए, लेकिन स्टार बना हुआ क्रिस आज खत्म बजा रहे, नीचे गिर गया है। यही मेरा जो कहानी हम बताए हैं, जो सुनाए हैं, यही मेरे साथ हो रहा है। आने वाले दिन में क्रिस को किस रूप में देखा जाएगा? हमारी बीबी ही दीमक बन के हमारे अंदर लग गई है, हमको खोखला कर रही है धीरे धीरे, पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, टूटेंगे कि बिखरेंगे, कोई फिर भी हम
वो गई है हमारे राजा मंदिर से मायके गई है घूमने के लिए गई है। उसका का नाम है कि हम मायके में जाएंगे, डिलीवरी वहीं पे होगा, फिर जब हम मन करेगा तो आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आए वो जब उसको मन करेगा वो आए, हम भी खुश हैं, हम भी उसको हम जल्द से जल्द उसको बोला, हमारा खुशी था कि यहीं पे मेरा बच्चा हो, हम यहीं पे रखे करें, हमारा वही खुशी था, पहला मेरा औलाद होने वाला था, हमारा यही खुशी। लेकिन वो लोग जबरदस्ती छीन कर लेकर चला गया, लेकिन नहीं, डिलीवरी वहां पे होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी वीडियो बनाने का कारण सबसे बड़ा हो? इससे पहले भी आपने बताया था कि वीडियो बनाने का होता है। जी, वीडियो बनाने का कारण पहले जब हम इंटरव्यू दिए थे, रेलवे स्टेशन से अरेस्ट हुए थे, उस समय का जो इंटरव्यू दिए थे उसी समय वो वीडियो देखी थी ना, तो बोल रही थी करिए लेकिन काम करिए, ये सब अब छोड़ दीजिए, तो उस समय हम इसीलिए छोड़ दिए थे। उसके लिए तो आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया, आज वही छोड़कर चली गई, तो ऐसा कहीं नहीं करते, जो जिस वीडियो से उनको नफरत है उसे अपना शौक बना लीजिए, और कहीं ना कहीं आपका फॉलोअर भी है, आपका फैन भी है, आपको लोग देखना भी चाहते हैं, उनके साथ जुड़िए। हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, अपना लाइफ बना रहे हैं, पैसा बना, अपने परिवार के लिए पैसा कमाने का एक जरिया बना रहे हैं, और उस पैसे से कुछ हेल्प हो जाए हमारे किसी गरीब का, किसी असहाय का, वो ऐसा बनना चाहते हैं, वैसा करना चाहिए, मेरा सपना है, जुनून है। अच्छा, दिल में इतना बहुत परेशान है, अब भावुक भी हो गए, बहुत परेशान है, और बीबी जली जाती है तो एक मर्द का दुख हम समझ सकते हैं। अगर वो वीडियो ये देख रही है, आपकी पत्नी देख रही है वीडियो, प्यार से दिल से क्या मैसेज दीजिएगा? मैं उससे यही कहूंगा कि रुखसाना, तुमसे पैर भी पकड़े थे अपने घर में, या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारा यहाँ भी पकड़े थे, कौन सी गलती हम कर दिए थे कि तुम इतनी बड़ी हमको सजा देना चाहती हो? झूठा इल्जाम हम पे लगा के केस फौजदारी करने की धमकी दे रही हो, मायके चली जाने की धमकी दे रही थी, मायके चली गई भी हो, तुम अपनी माँ की सुन रही हो, मेरी क्यों नहीं सुनती? मैं तुम्हारा परिवार हूँ, तुम्हारा आदमी हूँ, मेरे हिसाब से रहती, चलती, करती, आखिर मुझसे प्यार नहीं है ना, नहीं करती थी ना?